ये है ओप्पो का नया F23 5G। ये ओप्पो की भाई सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज में से एक है, बट ये वाला स्मार्टफोन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि अब जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं या तो कोई गेमिंग वाला स्मार्टफोन है या तो कोई परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है। हर स्मार्टफोन एक अलग कस्टमर के लिए बनाया जाता है, बट ये वाला किसके लिए बनाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप भी अगर फोन देखोगे तो आपको भी यही सेम चीज फील होगी। पैकेजिंग काफी स्टैंडर्ड है, आपको एक केस मिल जाता है, केस के अंदर एक टेक्सचर है और एक्चुअल भाई केस की क्वालिटी डिसेंट लग रही है, पुस्तकें भी हाई क्वालिटी लग रही है। ये हमारा सिम इंजेक्टर टूल है, इस पे हैप्पी फेस बन रखा है। ये है हमारा स्मार्टफोन, कलर तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है भाई, बैकग्राउंड ही मैच हो रहा थोड़ा थोड़ा। ये एक 80 वॉट का चार्जर दिया, बट फोन 67 वॉट ही सपोर्ट करता है। ये एक यूएसबी टाइप सी केबल है, बट मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं, ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसका प्राइस 24-25 हजार के अराउंड आना चाहिए और थोड़े ऑफर लगा के 23 हजार के अराउंड का भी आ सकता है। बट इस वाले स्मार्टफोन का अगर आप डिजाइन दे, पूरा एक गोल्डन फिनिश बैक साइड में आपको देखने मिलती है। यहाँ पे ऐसे लाइनें बन रखी है, थोड़ा सा मैट्रिक्स वाली फील आती है। कैमरा भी काफी एक इंटरेस्टिंग सा सेटअप है और जो साइड्स हैं पूरी फ्लैट है, वैसे है गोल्डन फिनिश में बट है पूरा स्मार्टफोन प्लास्टिक। ये वाला स्मार्टफोन किसके लिए सही है, किसके लिए बनाया गया है, इसको समझने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट को समझना। जो ऑनलाइन स्मार्टफोन बेचाते हैं ऑफलाइन बेचाते काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्चुअली ऑनलाइन जब देखने जाता है बंदा स्पेक्स देख के ज्यादा लेता है, उसको प्रोसेसर कैमरा सारी चीजें भाई नंबर वंबर मस्ती होते हैं। और ऑफलाइन लेने जाते हैं जब लोग, उनको हाथ में पकड़ के अगर प्रीमियम फील आया, कोई लेदर वेदर दे रखा है, कुछ ग्लास व्लास दे रखा है, तो डेफिनेटली भाई उसके बिकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑफलाइन बेचने में डेफिनेटली ओप्पो काफी ज्यादा तगड़ा। और काफी सारे स्मार्टफोन होते हैं जो भाई बिल्ड और डिस्प्ले बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं, बट ये उनमें से एक नहीं है। इसका जो पुराना वाला वेरिएंट था उसमें आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सा, आपको एक थोड़ा लेदर सा, थोड़ा चमकीला सा ऐसा डिजाइन मिलता था, अगर हाथ में करो डेफिनेटली एक प्रीमियम फील देता था। ये हाथ में पकड़ने कंफर्टेबल है, दिखता भी डिसेंट है, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है। और इसका जो डिस्प्ले भी है वो भी एक 6.7 इंच का एक LCD 1080p डिस्प्ले है। वैसे 120 हर्ट्ज है, काफी ज्यादा फास्ट चल जाता है, बट इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में एक AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। ये चीजें अगर ये बहुत ही कैमरा सेंट्रिक या एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होता तो इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाता, बट बाकी सारी चीजें भी एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही। एक ही करके सारी चीजें दिखाता हूं। वैसे बैक साइड में 3 कैमरा दे रखे हैं, एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप वाला। ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, माइक्रोस्कोप भी मस्त चेक करेंगे, लकीरें वगैरह देख लेंगे। पिछले साल भी हमने जब टेस्ट करा था एक्चुअली काफी ज्यादा कूल था। इससे पहले हमने जो F21 Pro भी रिव्यू करा था कुछ टाइम पहले, उसमें भी आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता था। वाला स्मार्टफोन भी अगर आप देखो तो वो भी 21,000 के अराउंड में अभी अवेलेबल है। ओवरऑल बिल्ड हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल है, फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है, राइट साइड में पावर बटन में है नहीं, नीचे की साइड पे स्पीकर एक हेडफोन जैक भी दे रखा है, USB टाइप सी का पोर्ट भी है, वॉल्यूम बटन, सिम इजेक्टर टूल से अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो एक हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिल जाता है, 2 सिम लगा सकते हो या फिर एक माइक्रो एसडी भी लगा सकते हो। हाथ में पकड़ने में काफी लाइट सा फील होता है, वैसे है तो पतला ही, बट 5000 mAh बैटरी है, 67 वॉट तक ये चार्जिंग ले लेता है, और ये इस स्मार्टफोन में डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हो। इस वाले प्राइस पॉइंट में यूजुअली एक प्राइमरी सेंसर होता है और उसके साथ या तो वाइड एक आपको मिल जाता है या फिर आपको टेलीफोटो मिल जाता है। ओप्पो ने इन दोनों की जगह एक माइक्रोस्कोप वाला लेंस यूज करा है, पर मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग एक टेलीफोटो या वाइड प्रेफर करते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले हम सेल्फी लेंगे, ये वाली हमने सेल्फी ली है, ये एक्चुअल काफी अच्छी लाइटिंग एडिशन है, इसमें ऐसे कि देख सकते हो जूम करके अच्छी डिटेल आ रही है, पर जैसे हमने अलग अलग लाइटिंग मिली, ज्यादातर लाइटिंग में आपको डिटेल्स अच्छी मिल जाती है, बट स्क्रीन टोन थोड़ी से अंडर सैचुरेटेड से लगते हैं और कलर ऐसा लगता है थोड़े से फीके फीके कलर फील होते हैं। बैक साइड से भी हमने पत्ते वत्ते रखी है, इसकी भी फोटो खींच के देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक पत्ते के लिए तो अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, जो फोटो भी है वो भी काफी शार्प लग रही है, बट ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील होता है। ये सेम सिचुएशन में हमने दूसरी फोटो खींची तो इसमें स्किन टोन्स काफी व्हाइटिश, थोड़ा सा ऐसा फेडेड नॉइजी ब्लैक्स ऐसे फील होते हैं, बट इतना खराब नहीं लग रहा। कभी कभार थोड़ा ज्यादा सैचुरेट करता है, जैसे विपुल की टी शर्ट थोड़ी ज्यादा रेड लग रही है और बैकग्राउंड पूरा ही ओवर एक्सपोज हो गया है, और पोर्ट्रेट में कभी कभार अनइवन लाइटिंग लगता है, ऐसा लगता है चेहरे को अलग से थोड़ा एडिट करके ग्लो ऐड करा गया। उसको बोलना मूड यहाँ पे हमने भाई कॉफी बीन चाबियां और हमारी जीप, मेरी जीभ अलग सी तो लगती है भाई, ये कॉफी बीन दिखाता हूँ। ओ भाई ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही जूम कर लिया भाई, माइक्रोस्कोप में तो मजा आ रहा है भाई। चौबी का टेक्सचर दिखा है, ये चौबी के ग्रूव्स है, नीचे अलग ग्रूव है, ये ऊपर अलग ग्रूव है भाई, डस्टर है ये, जो एक्चुअली ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना इंक के पार्टिकल, जो हमने इससे इंक पोछी है। बाल दिखो, ये देखो बाल, बाल तगड़े दिख रहे हैं। एक चीज काफी तगड़ी कर रही है भाई, माइक्रोस्कोप के जिस साइड में फ्लैश लगा रखा है तो इसलिए फोटोज लेनी भी काफी आसान हो जाती है। माइक्रोस्कोप वाली शॉट चाहे अपने हाथ के लिए हो, चाहे सब्जियों के लिए हो, चाहे फ्रूट्स के, चाहे टेक्सचर्स के, कारपेट के, ये सारे काफी अच्छी क्वालिटी में है, बट जो ओवरऑल कैमरे की प्रोसेसिंग है वो मेरे को इनकंसिस्टेंट लगी। 50% फोटोज अच्छी आ जाती है, 50% फोटोज में दिक्कत भी आती है और थोड़ा सा ऑफ फील होता है, क्योंकि यूजुअली ओप्पो का कैमरे वाला सॉफ्टवेयर काफी तगड़ा रहता है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिल जाते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हो, गेम खेलने वाली कैंडी क्रश है, कुछ
कुछ काम की भी है, फोन पे हॉट फ्री गेम्स है, जोश है, लिंक्डइन है, जो एक्स्ट्रा एप्स हैं वो सारी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, हॉट एप्स हॉट गेम्स नहीं होती है। उसके अलावा इसमें आपको कलर ओएस 13.1 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13 के ऊपर भी, और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक स्मूथ फील होता है। कलर ओएस काफी मतलब अपना कलरफुल है, काफी ज्यादा फीचर पैक्ड है, वॉलपेपर कस्टमाइज करना है, डिजिटल वेलबींग वाले जितने फीचर्स हैं, बेसिकली कलर ओएस के जितने एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपको मिल जाते हैं। काफी लोगों को पसंद आता है कलर ओएस, काफी लोगों को थोड़ा स्टॉक प्रेफर करते हैं, बट वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर। नोटिफिकेशंस भी इसमें गेम सेंटर में थोड़ी बहुत आती है, बट साइड नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर सकते हो। इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, ये मतलब 16-18 हज़ार के जो प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोन होते हैं उनमें यूजुअली आता है। 20-23 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन के 7th जेन प्रोसेसर स्टार्ट हो जाते हैं। रैम DDR4X मिल जाती है, मीडियम सेटिंग में गेम वेम सही जाते हैं, हम भी खेलते हैं। एक चीज का टाइम आ गया, इसमें आप मैक्स पे या तो लाइट सेटिंग पे चला सकते हो या फिर एक्सट्रीम पे हाई सेटिंग में चल जाती है। इस वाले प्राइस पॉइंट पे यूजुअली गेम्स मैक्स सेटिंग पे चल जाती है, चल तो सही रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेफ्ट से अगर आप स्लाइड करो तो गेमिंग मोड आता है, इसमें काफी सारे ऑप्शन है। गेम में फोकस मोड आप चेंज कर सकते हो, आवाज अपनी चेंज करके बता सकते हो, अगर आपको क्विक स्टार्टअप करना है तो इसमें मतलब ये मेमोरी में एक्चुअली गेम रहेगी। प्रो गेमर मोड लुक कर दोगे तो इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव दिखेगी और थोड़ी बैटरी भी ज्यादा रहेगी। स्नैपड्रैगन 695 भाई 20,000 के नीचे काफी एक कॉमन प्रोसेसर है और हमने बहुत बार टेस्ट कर रखा है, बट 23,000 पे भाई आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाते हैं। अगर आप पूरा इकट्ठा कर मैं आपको करके बताऊं तो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन में ऐसा कुछ बुरा नहीं है, इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो मीडियम सेटिंग पे, बट भाई गेमर्स के लिए भी ये वाला स्मार्टफोन नहीं बना है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है ये वाला स्मार्टफोन किसके लिए बनाया गया, तो मैं अपना थोड़ा थ्योरी लगाता हूं। ना इस वाले स्मार्टफोन को बहुत ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बोल सकता हूं, ना एक बहुत ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन, ना ही हाथ में ऐसे पकड़ने में और भाई डिस्प्ले पे यूज करने में बहुत तगड़ा फील हो रहा है। तो भाई ओवरऑल सारी चीजें ओके सी हैं, एक दो चीजें थोड़ी तगड़ी सी हैं, जैसे माइक्रोस्कोप बहुत बढ़िया काम करता है, जो बैटरी और चार्जिंग है वो काफी सही लगती है, पर मेरे को लगता है बहुत ही कम लोग होंगे जो माइक्रोस्कोप के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे या फिर खाली बैटरी उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए होगा स्मार्टफोन के अंदर। देखो मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरे हिसाब से ओप्पो को ना ऐसा थोड़ा सा सुंदर सा स्मार्टफोन बनाना था, जैसे गोल्डन कलर का अलग सा ऐसे चमक के दिखे, क्योंकि पुराने वाले वर्जन्स भी थे उसमें भी काफी सिमिलर सा था भाई, डिजाइन काफी अच्छी थी, एक्चुअल डिजाइन पेपर पे सही लग रही होगी गोल्डन बट एक्चुअल हाथ में पकड़ने में काफी स्टैंडर्ड सी फील होती है। अभी के लिए किसके लिए बनाया गया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फील होता है। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस 25,000 रुपए है, मेरे हिसाब से डिस्काउंट लगा के अगर 20 के अराउंड आपको मिल जाता है तभी एक डिसेंट स्मार्टफोन बन जाएगा, बट 25,000 रुपए इससे काफी बेटर स्मार्टफोन मिल जाते हैं। अगर आपको ओप्पो के ही स्मार्टफोन्स पसंद आते हैं और ओप्पो का जो सर्विस का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत पसंद आते हैं तो शायद आप इस वाले स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, बट उसके अलावा किसको और रिकमेंड करा जाए वाला स्मार्टफोन वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको कैसा लगा स्मार्टफोन, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।